हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांदोलिम बीच। आज है 5 मई और ये पहला जो है वीकेंड है इस मई का। तो आज चल के देखते हैं कि कांदोलिम बीच पे मई में किस तरह का क्राउड है और क्या शैक्स ओपन है और बीच में अभी क्या क्या एक्टिविटीज चल रही है। ये है मेन एंट्री जो कि कांदोलिम बीच की है और यहाँ पे जो है आपको शॉप्स मिल जाएगी छोटी छोटी सी, जिसमें फ्रूट के स्टॉल्स है और कुछ शॉपिंग आप कर सकते हैं। ये है इधर पूरा छोटी सी शॉप से ज़्यादा बड़ी नहीं, बट आप शॉपिंग कुछ करना चाहते तो कर सकते हैं। सामने टैटू है, तो चलें और आगे चल के देखते हैं कि अभी डोमेस्टिक क्राउड है, फॉरेन टूरिस्ट है कि नहीं है। तो ये टिपिकल इनकी फूड स्टॉल होती है, यहाँ पे आप आएँ, ऐसी गर्मी में बहुत ज़रूरत रहती है। नारियल पानी आप ले सकते हो, ये कटे हुए फ्रूट्स है आप ये ले सकते हो। ये कुछ लोग बैठे हैं धूप से बचने के लिए यहाँ पे। काफी लोग हैं बीच पे, अभी काफी क्राउड है। सामने आपको जो है वो मिल जाएगा स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स के लिए काउंटर, जहाँ पे आप जाके रेट्स और क्या एक्टिविटीज है ले सकते हैं उसके टिकट्स। और ये शैक्स सारे ओपन है, म्यूजिक भी बज रहा है। बहुत अच्छी हवा चल रही है, तकरीबन अभी शाम के 5 बजे है। इस समय आप अगर आएंगे बीच पे तो आपको जो है ह्यूमिडिटी और जो गर्मी है वो काफ़ी कम मिलती है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो है थोड़ा सा जल्दी आ जाए बीच पे अराउंड 10-11 बजे और एक अच्छा सा बीच बैठ लेके आप इंजॉय करें। और जैसे ही थोड़ा सा जो है सनसेट होने का टाइम होता है 3:30-4 बजे के आसपास, तो बहुत ही अच्छा वेदर हो जाता है और आप देख सकते हैं आप ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे। ये है अभी काफ़ी सारे शैक्स जो है ऑलमोस्ट उनके जो बीच शैक्स के जो ये बने रहते बैठने के, ये सब बिजी है। क्राउड तो काफ़ी अच्छा डिसेंट है अभी मई के मंथ के हिसाब से। जो भी टूरिस्ट है अभी वो डोमेस्टिक टूरिस्ट ही है, फॉरेन टूरिस्ट काफ़ी चले गए हैं इस टाइम तक, यूजुअली वो लोग चले जाते हैं। थोड़ा सा बीच की तरफ और चलते हैं, आप देखेंगे सामने ये जो दिख रहा है बॉबी शैक, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर शैक है इस कांदोलिम बीच का। और अगर मैं देख रहा हूँ तो मोस्टली जो है वो जो मेन एंट्री है कांदोलिम बीच की, उसी के आसपास ज़्यादा क्राउड है। अगर आप आगे देखेंगे दूर तक आप जैसे देख सकते हैं सामने, तो वहाँ मुझे इतनी भीड़ नहीं दिख रही। मोस्टली जो क्राउड है वो यहीं पर है और ये काफ़ी फेमस शैक है, बॉबी शैक है। मोस्टली जो भी कांदोलिम आता है वो यहाँ ज़रूर आता है। ये बच्चे खेल रहे और सामने वाटर स्पोर्ट्स की कुछ एक्टिविटी चल रही है, बोट्स जा रही है। देखिए अब थोड़ा सा मैं और आगे आया हूँ तो आप देख रहे हैं कि भीड़ कितनी कम हो गई है। तो अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा क्राउड में रहना पसंद करते हैं, तो आप जैसी गेट से एंट्री करेंगे आप वहाँ रुक सकते हैं। और आपको लगता है कि थोड़ा सा भीड़ से अलग बैठना है, तो थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट हो गए तो आपको ये शांत जगह मिल जाएगी, जहाँ म्यूज़िक भी बहुत धीमा चल रहा है और लोग बहुत रिलैक्स होकर इंजॉय कर रहे हैं। तो वाटर स्पोर्ट जो है वो मेनली गेट के सामने ही होता है। हवा इस समय बहुत अच्छी चल रही है, ये कुछ सब बना रहे हैं आराम से बैठ के। YouTube पे हूँ मैं। हाँ, कहाँ से आए हो आप? बैंगलोर से। कब आए आप? कल आए। तो मोस्टली इसी टाइम आते हैं आप, गर्मियों में कि सीजन में भी आते हैं? तो आप अकेले आए हो? फ्रेंड्स उस तरफ है, वाटर स्पोर्ट। अच्छा,
तो कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कब तक है अभी आप? और कितने दिन है अभी आप? 3-4 days है। तो क्या प्लान है अभी 3-4 days में? ये कौंडलम है, बागा साउथ जाना है। अच्छा, वो प्लेस बहुत सुंदर है। अच्छा, पापा भी रहते हैं उधर। ओके, तो वहाँ जाएंगे आप? चलो एंजॉय करना। तो ये मिले थे जो कि बैंगलोर से आए थे और ग्रुप आया है पूरा, और वो काफ़ी एंजॉय कर रहे थे इस समर्स में भी गोवा में। तो और आगे चलता हूँ मैं थोड़ा सा, बट ज़्यादा भीड़ आगे जाएंगे तो दिख नहीं रही है। शैक्स जो है वो भी जो है ओपन है, बट भीड़ नहीं है बिल्कुल भी। क्राउड जो है वो बस एंट्री पर ही है, जैसा पहले मैंने आपको बताया। ये कुछ लोग जो है वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं यहाँ पे। अभी देखेंगे तो अब सी भी बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहा है और हवा तो इतनी अच्छी चल रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको। आप देख सकते हैं सामने जो फ्लैग लगे हुए हैं उसको हिलता हुआ, जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितनी तेज़ हवा है। तो ह्यूमिडिटी नहीं है, बीच में अप्रैल में जो थी वो ह्यूमिडिटी थी यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है जो नॉर्थ में काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ है अभी वेदर रिलेटेड, तो हो सकता है उस वजह से यहाँ भी मौसम थोड़ा चेंज हुआ है। तो ह्यूमिडिटी काफ़ी कम है, 50-60% ही ह्यूमिडिटी है। यूजुअली इस टाइम पे लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करो तो लास्ट टाइम यहाँ पे 90% ह्यूमिडिटी होती थी मई में, जो कि अभी 50-60% है। तो अच्छा वेदर है, आप देख सकते हैं नीला आसमान है, बादल बिल्कुल ना के बराबर है और हवा बहुत अच्छी चल रही है, ह्यूमिडिटी नहीं है। आप जो है अगर इस टाइम पे गोवा आते हैं, अगर आप प्लान कर रहे हैं, आप आ चुके हैं, तो मुझे लगता है आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो आगे तो कुछ ऐसा खास नहीं दिख रहा है, बहुत ही लिमिटेड नंबर पे क्राउड है। तो वापस चलते हैं और कौंडलम के दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ आगे तक कैसा क्राउड है। तो वापस हम लोग आ चुके हैं एंट्री पॉइंट पे, और अभी हम लोग यहाँ से लेफ्ट गए थे, अब हम राइट जा रहे हैं, देखते आगे तक कैसा है। और यहीं पर जो है ये सामने वाटर स्पोर्ट्स के प्राइजेज हैं, आप देख सकते हैं कि ये प्राइजेज अभी है। और हम चलते सामने की तरफ, हम यहाँ से सीधा सीधा अगर वॉक करते रहे तो हम कैलिंगुत बीच पहुँच जाएंगे, उससे थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो बागा पहुँच जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ भी जो है राइट में शैक तो ओपन है, बट जो एंट्री पर है मेनली उसी शैक पे सबसे ज़्यादा भीड़ है, और काफ़ी क्राउड अभी शाम को आ भी रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं काफ़ी, क्योंकि दिन में बहुत धूप रहती है, गर्मी तो उतनी रहती है जितनी अभी, बट धूप बहुत तेज़ होती है, तो लोग कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि थोड़ा शाम को आए। जैसे मैंने पहले बताया, प्रेफर तो बीच पे जाने का मैं यही कहूँगा कि आप 3-3:30 बजे आए, बट सबके अपनी अपनी चॉइसेस होती है। तो ये टेबल सभी लग रही है शाम के लिए, सेटअप हो रहा है ये सारा, सेटअप हो रहा है शाम के लिए। तो आप देखेंगे आगे बिल्कुल खाली है बीच। तो मई में यूजुअली वैसे तो इससे ज़्यादा क्राउड रहता है, बट हर दिन ऊपर नीचे होता रहता है। अभी लास्ट वीक मैंने सुना कि काफ़ी क्राउड था, बट सबकी वेकेशंस प्लान अलग अलग होते हैं। बट क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ बुकिंग्स, होटल बुकिंग्स काफ़ी है मई में, और फ्लाइट्स के टिकट्स भी जो है वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है मई में, तो काफ़ी लोगों का प्लान है मई में गोवा आने का। देख सकते हैं सामने इतनी सब वाटर स्पोर्ट्स के अराउंड ही सबसे ज़्यादा भीड़ है, वहीं पे लोग सबसे ज़्यादा
इकट्ठे हैं वहीं पे ज़्यादा बैठे हुए। और अगर आप दूर जाएंगे जैसे जहाँ मैं गया था, तो वहाँ पे जो है लाइफ गार्ड भी उतने नहीं है, तो प्रेफर भी मैं करूँगा कि आप यहीं पे रहे, क्योंकि थोड़ी लाइफ गार्ड भी है यहाँ पे, तो आपको थोड़ी सेफ्टी भी रहती है कि आप उन्हीं के आसपास अगर अंदर सी में जाते हैं तो। वेदर अभी अच्छा है ही, तो आप अगर प्लान कर रहे हैं गोवा आने का तो बिल्कुल आप आ सकते हैं मई में, आपको अच्छी डील्स भी मई में मिलती है। तो ये था कोंदोलिम बीच से 5 मई का वीडियो। आई होप आपको गोवा आने में, प्लान करने में इस वीडियो से मदद मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, ताकि और जो मैं वीडियोस अलग अलग बीचेस के बनाऊंगा आप उसे देख सकते हैं और उससे आपको फ़ायदा मिल सकता है गोवा आने के प्लान करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।